लॉयंस क्लब ऑफ कानपुर में इनके हास्य कवि सम्मेलन में कहकहों और ठहाकों की गूंज से सीएचएमयू यूनिवर्सिटी का सभागार गूंज उठा और कवि सम्मेलन का शुभारंभ लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों के अलावा सेमड़े के प्रबंधक निदेशक संजय कुमार पांडे और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया। कवि सम्मेलन में कवित्री गौरी मिश्रा डॉक्टर दीपक गुप्ता ने अपनी रचनाओं से गुदगुदाया तो स्टैंड अप कॉमेडियन दीपक सैनी ने विभिन्न राजनेताओं की मिमिक्री कर यहां पर बैठे हुए लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वीरस के कवि डॉक्टर सौरभ कांत ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को भक्ति भाव में भर दिया। इसके बाद जब बारी पद्मश्री डॉक्टर सुरेश शर्मा की आई तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कविताएं सुनाकर हर किसी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान लॉयंस क्लब के पदाधिकारी निखिलेश दुबे, फैम एडवाइज और डायरेक्टर गोपाल द्विवेदी समेत अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। आज जिस प्यार से सुना उनके प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूँ और एक ही संदेश देता हूँ, जितने भी संदेश देने वाले उनसे बचकर रहे, खुद अपनी सोच रखें, वो बेहतर हो। सर दो पंखियाँ एबीसी न्यूज़ को कुछ बताएंगे कानपुर वासियों के लिए? कानपुर वासियों के लिए दो पंखियाँ। कानपुर वासियों से 50 साल से आ रहा हूँ, पहली बार 50 साल पहले आया था, उससे लगातार हर साल 2-3 बार आता हूँ और जितना प्यार और कविता के प्रति समर्पण है उतना बहुत कम शहरों में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर के लोगों को मैं प्रणाम कहती हूँ और सेम डे और लॉयंस क्लब के सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा साहित्यिक समारोह कराया, वरना लोग न जाने कैसे कैसे प्रोग्राम्स आयोजित करवाते हैं अपने शहर में। पर मुझे लगता है अपनी संस्कृति और संस्कारों से अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ना है तो ऐसे साहित्यिक उत्सव कराते रहने चाहिए। और आज देश के सभी सुप्रसिद्ध कलमकार यहाँ आए थे। सबसे बड़ी बात, साहित्यकारों की ये पावन धरती है और यहाँ जब लोग इतने मन से सभी की कविताओं को सुनते हैं तो मन करता है और अच्छा सुनाते जाएं और अच्छा गाते जाएं। आज समय की कमी थी लेकिन उम्मीद करती हूँ कानपुर दोबारा आऊंगी और अपने प्यारे से और गीत गजल कविताएं कानपुर वासियों को सुनाऊंगी और उनका बहुत सारा प्रेम पा करके जाऊंगी। एबीसी न्यूज़ पर देखेंगे। आज हम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में एक हास्य कवि सम्मेलन के नाम पे आए थे और इसमें एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ जिसकी कि हमको उम्मीद नहीं थी। पद्मभूषण श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी आए थे, दीपक गुप्ता जी भी आए थे, उन्होंने हास्य के वो रंग बिखेरे हैं जो हम लोगों का मन बहुत गुदगुदा रहे हैं और अभी तक ये लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो, हम लोग सुनते ही रहें ऐसा चल रहा था और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कवि सम्मेलन हम लोगों का। ये यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हो रहा है कवि सम्मेलन का, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और बहुत अच्छे अच्छे कवि आए थे जो उन्होंने वीर रस और हास्य रस के ऊपर सुनाया और हम सभी श्रोताओं ने बहुत मन लगाकर सुना, बहुत अच्छा लगा, पूरा एंजॉय किया। हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन का, क्योंकि आज की फटाफट लाइफ में और जिस प्रकार से बच्चे और नौजवान और सभी लोग मोबाइल पर ही अपने जीवन का ज़्यादातर समय देते हैं, ऐसे में हंसना खिलखिलाना कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है और यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि सुरेंद्र शर्मा जी और बहुत ही बड़ा मंच यहाँ पर उपस्थित है जो हमारे कानपुर के लोगों के लिए भी सौभाग्य है और लोग बड़ी ही मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं और अपने को आनंदित करते हुए निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का भी वर्धन कर रहे हैं, जिसके कारण से उनको हंसने का जो ये अवसर अभी मिला है कि मुझे लगता है कि इस फटाफट लाइफ में बहुत कम समय ऐसा होता है जब हमको इस प्रकार का आनंद प्राप्त।